फांसी दो, ये सुअर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ये कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ये कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नरसिंहानंद को 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, Let's go! Let's go!
कल शाम नरसिंह आनंद जो यूपी में हुआ था, जो कुत्ता जलील है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ वाहियत बात बोली है जो हम अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकते। और ये पहली बार नहीं है उसका, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो हम बस्ती के तमाम लोग, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे सब मिल के हम प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारा एक ही डिमांड है कि उसको ऊपर केस FIR करना और अरेस्ट करना और फांसी देना। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना पुलिस से कि हमको इंसाफ मिलेगा। जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके PTAT लगाए दे, इसको PTAT नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोलवा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर CM है वहाँ का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चला था, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मजहब के को टारगेट कर रहा है, इन्हें बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूँ कि आप फौरन इस्तीफा दें, इस वजह से दें कि आप वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूँ कि उसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए और इसको अरेस्ट करना। हमारे टपा चबूतरा DI साहब ने हमको तौकुन दिया है कि हम उसको फौरन अरेस्ट करेंगे और इसके ऊपर केस बुक करेंगे और उसको हम यहाँ लाएंगे बोल के बोलवे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि DI साहब जैसा बोले वैसा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमको ये कुछ भी नहीं है, ये टेलर है, उससे बड़ा मैं प्रोटेस्ट करूँगा, चाहे हमारी जान जाए, हमारी औलाद की जान जाए। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अरे नरसिंह आनंद ये सुन ले, खुली धमकी है, अगर तेरी माँ अगर तेरे को सच्चा पैदा करी तो मेरे सामने आके बयान दे दे, जब बताता हूँ तेरे को, या तू या मैं, ये खुली वार्निंग दे रहा हूँ। और हम नटवा जीवे से निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी भाइयाँ साथ में थे, ये लोगों की हिम्मत पे इतना बड़ा कारनामा अंजाम हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि होगा, और मोहसिन भाई बोलने से हम इसको अंजाम दिया भाई।